हाय एवरीवन, वेलकम टू मम्मा गिरी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों की वैकेशंस स्टार्ट हो गई है और इस बार हम बाहर नहीं जा सकते हैं घूमने के लिए, तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों को इंगेज कैसे करें घर में। आज मैं 10 इंडोर ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ अपने 3.5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के साथ, और आप भी फॉलो करके इस वेकेशन बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं घर में। विदाउट मच डिले लेट्स बिगिन। इस आवर फर्स्ट एक्टिविटी, फन विद क्ले एंड बीड्स। आप बच्चों को ऐसे नंबर्स बनाने बोल सकते हैं क्ले से, और साथ में ऐसे बीड्स रखने के लिए बोलिए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रखने के लिए बोलिए अकॉर्डिंग टू द नंबर। ये क्ले एक्टिविटी बहुत एंजॉय करते हैं। माई सेकेंड एक्टिविटी इज फ्लोट एंड सिंक। अभी समर स्टार्ट हो गया तो आप बच्चों को थोड़ा पानी से खेलने दे सकते हैं। एक्टिविटी आप बच्चों के बट टब में करके भी बच्चों को समझा सकते हैं दैट सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक। हियर ऑरेंज इज फ्लोटिंग बट यू कैन सी दिस लेमन एंड ग्रेप्स बोथ सिंक अंडर वाटर। दिस प्लास्टिक टेडी बियर दिस इज ऑल्सो फ्लोटिंग। हेयर डेंसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मोर डेंस विल सिंक and those with less density will float above water. Here orange, this teddy, this will float above water. But these objects like lemon and grapes, these objects have more density, so they will sink under water. My third activity is sorting of grains. अपने बच्चों को बोलिए इसमें से दो grains अलग करने के लिए, like rajma और green moong अलग करने के लिए। आप कोई भी grain दे सकते हैं बच्चों को। एक्टिविटी से नॉर्मली बच्चों का पेशेंस बहुत इंक्रीज होता है। माई नेक्स्ट एक्टिविटी इज सीजरिंग। ऐसे बच्चों को zigzag lines, wavy lines बना के दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में आप स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये सब बना के दीजिए, उसके बाद आप zigzag lines, wavy lines, और आपका बच्चा अगर ये सब कर पाए देन थर्ड स्टेज में आप सर्कल बना के दे सकते हैं। बच्चों को बोलिए इसी शेप में कट करने के लिए। ऐसे एक्टिविटी से बच्चों का फिंगर्स का मसल स्ट्रांग होता है, ताकि बच्चे आगे जाकर अच्छे से पेंसिल से लिख पाए। नेक्स्ट वन इज फायरलेस कुकिंग। इस एक्टिविटी में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टिविटी में आप बच्चों को ब्रेड जैम या ब्रेड बटर खुद से बनाकर खाने के लिए बोल सकते हैं, साथ में खुद से नींबू पानी बनाकर पीने के लिए भी इनकरेज कीजिए बच्चों को। कट करके दे दीजिए बच्चों को, साथ में ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ स्पून ऑफ शुगर दे दीजिए स्टेयर करके पीने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी से बच्चों को इंडिपेंडेंटली कोई काम करने का एंजॉयमेंट अलग से आएगा। इस बबल एक्टिविटी, इस फन एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक हैंडकरचीफ, एक बॉल फुल ऑफ सोप वाटर एंड ए स्ट्रॉ। ये सारी चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, बच्चों के साथ बहुत मस्ती कर सकते हैं इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी के लिए इस स्ट्रॉ के एक एंड पे आपको ये क्लॉथ रैप करना है लाइक दिस एंड डीप इट इन सोप वाटर, और स्ट्रॉ के दूसरे एंड से एयर ब्लो कीजिए अपने माउथ से, तो इस एंड से बबल्स निकलेंगे। बच्चों को ये एक्टिविटी से बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज क्लिप एक्टिविटी। इसमें आप ऐसे प्लास्टिक के ग्लास या कप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए, और साथ में ऐसे क्लोथ क्लिप्स। बच्चों को बोलिए ऐसे क्लिप्स ग्लास में लगाने के लिए और ऐसे खोलने के लिए। आप कई सारे क्लिप्स दे सकते हैं, मैंने एक क्लिप से आपको एग्जांपल दिखाई ऐसे लगाने के लिए। इस एक्टिविटी से बच्चों की मसल स्ट्रांग होगा फिंगर्स का, अगेन ऐसी एक्टिविटी बच्चों को हेल्प करेगा लिखने के लिए। माई नाइन्थ एक्टिविटी इज फॉग प्रिंटिंग। इस एक्टिविटी के लिए पोस्टर कलर चाहिए, एक प्लेट चाहिए एंड ब्रश एंड ए फॉग। बच्चे को बोलिए इस पोस्टर कलर को इस ब्रश की हेल्प से इस सर्कल में पहले फिल कर लीजिए एंड देन प्रेस द फॉग लाइक दिस एंड डू लाइक दिस। Here I am making a sunflower. बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत मज़ा आएगा करने में।
यस ऑफ कोर्स, थोड़ा मिस करेंगे पहले बच्चे। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर दे सकते हैं, लाइक सन बना सकते हैं, लायन बना सकता है बच्चे। दिस एक्टिविटी आई पर्सनली रिकमेंड कोई अच्छी क्वालिटी का फोर्क ले आप। नॉर्मल प्लास्टिक वाला फोर्क से बच्चे प्रेस नहीं कर पाएंगे, वो टूट जाएगा तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा करने में। इस एक्टिविटी से बच्चों का इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी बहुत डेवलप होते हैं। एंड माई लास्ट एक्टिविटी इज ग्रोइंग ए प्लांट। आप ऐसे प्लास्टिक के ग्लासेस ले लीजिए, ये ग्लासेस अवेलेबल होते हैं सबके घर में, एंड इफ नॉट कोई भी कंटेनर। एड सॉइल इन दिस ग्लास एंड फिल टू द टॉप विथ वाटर। ग्रीन मूंग ले लीजिए और मस्टर्ड सीड्स, व्हिच वन इज अवेलेबल विथ यू। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाए तब इस सीड्स को इस सॉइल में प्लांट कर दीजिए। एक्टिविटी से बच्चों को पता चलेगा प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। ऐसी एक्टिविटी से बच्चों को डेली एंगेज कर सकते हैं, ये पूछ कर कि बच्चे ने पानी दिया कि नहीं प्लांट पे, या फिर बच्चे ने सनलाइट पे रखा कि नहीं प्लांट को। बच्चे का हैबिट हो जाएगा डेली प्लांट्स में पानी देने के लिए और उसे अच्छी सनलाइट दिखाने के लिए। दिस आई वंडर, होप यू लाइक माई वर्क। आपको मेरा काम हेल्पफुल लगता है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ न्यू पेरेंट्स, ताकि उनकी पेरेंटिंग की जर्नी हेल्पफुल हो। एंड सब्सक्राइब माई चैनल ममागिरी पेरेंटिंग सिंप्लीफाइड। थैंक यू।